आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल कुक विद शुष में। जैसा कि आप सबको पता है कि गणपति जी हम सब के घर आने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए कुछ खास ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खास, मोस्ट पॉपुलर, गणपति जी का बहुत ही प्रिय चीज़, चूरमा मोदक लड्डू, यानी कि चूरमा के लड्डू। मेरी गारंटी है कि जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से आप बनाएंगे तो सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट दानेदार चूरमा के लड्डू बन के रेडी होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट, मुंह में घुल जाने वाले चूरमा मोदक लड्डू। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2 कप गेहूँ का आटा लेंगे। अगर थोड़ा मोटा गेहूँ का आटा हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और 1/2 कप सूजी। मेज़रमेंट के लिए 1 कप सेट कर लीजिए। जो भी चीज़ें मेज़र करनी हो वो उसी से मेज़रमेंट करके आप उसमें ऐड करिए। और अगर आपको लगता है कि जो सूजी आपने ली है वो थोड़ी मोटी है तो उसको ज़रा सा ग्राइंडर में डाल के 1-2 बार चला लीजिए, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लीजिए कि सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। घी की क्वांटिटी डिपेंड करती है आटे के मोटे या पतले होने पर। घी परफेक्ट पड़ा है या नहीं ये देखने के लिए आप इस तरह से मुट्ठी बंद करके देखें। अगर ऐसा मुट्ठी बन जाए तो समझिए घी परफेक्ट पड़ा है, और अगर ना बंधे तो इसमें घी और ऐड कर दीजिए। अब हम लेंगे हल्का गर्म पानी और उसके साथ एक अच्छा टाइट जो है डो बना के तैयार करेंगे। चूरमा मोदक लड्डू में सबसे ज़्यादा खास चीज़ जो होता है वो होता है इसका मेज़रमेंट। अगर आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका चूरमा मोदक लड्डू जो है वो मुंह में घुल जाने वाले रसीले और सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। देखिए यहाँ एक टाइट सॉफ्ट डो बना के मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हाथों में घी लगा के इसके ऊपर अच्छे से लपेट देंगे और डो को रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। पंद्रह मिनट के बाद आटा हमारा परफेक्टली सेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर से नींबू के साइज़ का एक लोई तोड़ेंगे और उसे हाथों में मसलते हुए उसकी मुट्ठियाँ बना लेंगे। देखिए इस तरह से शेप देते हुए। चूरमा मोदक लड्डू का यही खासियत है कि उसे इस तरह से मुट्ठियाँ बनाकर ही उसका प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। इस तरह से सारी मुट्ठियाँ हमें तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरह से एक नींबू के साइज़ का लोई तोड़ना है और उसे हाथों में इस तरह से दबा के फिंगर्स का जो इम्प्रेशन है वो उस पर देना है ताकि उस पर इस तरह से डिज़ाइन बन जाए। इससे क्या होता है ना, फ्राई करते वक्त बहुत इजीली फ्राई होता है, ये अंदर तक फ्राई होता है, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होता है। इस तरह से हमें दबा के सभी को तैयार कर लेना है, सारी मुट्ठियाँ इस तरह से रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए परफेक्टली हमारी सारी मुट्ठियाँ जो हैं बनके रेडी हो चुकी हैं यहाँ पे। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। तो एक कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ाई है और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, लो फ्लेम पे इसे हल्का गर्म करना है। और इसको देखने के लिए कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा आटा का तोड़ के इसके अंदर डालिए, ये देखिए। और तेल के हल्का गर्म होने पर ही हम धीरे धीरे करके इस तरह से सारी मुट्ठियाँ जो हैं ऑयल के अंदर इस तरह से डाल देंगे। याद रखिए फ्लेम जो है वो बिल्कुल ही लो मीडियम होना चाहिए ताकि हमारी मुट्ठियाँ अंदर तक एकदम अच्छा क्रिस्पी फ्राई होके रेडी हो जाए। कढ़ाई के अंदर जितना स्पेस है आप उतना ही डालिए, एक के ऊपर एक डाल के इसको फ्राई मत करिए, नहीं तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगी। कढ़ाई में मुट्ठियों को डाल के तुरंत उसे फ्लिप नहीं करना है, थोड़ा सा एक तरफ जब सिक जाए उसके बाद मुट्ठियों को फ्लिप करिए एक एक करके आराम से। जब आप इसे कम आंच पर सेकते जाएंगे तो क्या होगा कि ये अंदर तक पकेंगे और एक सौंधा सौंधा खुशबू इसके अंदर आ जाएगा, तभी तो एकदम बढ़िया चूरमा मोदक लड्डू बन के रेडी होंगे। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा गोल्डन कलर आने लगा है।
इसी तरह से सारी मुट्ठियों को सेक के रेडी कर लेंगे। हमारी मुट्ठियाँ यहाँ सेक के रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे, गैस को कर देंगे बंद। ये देखिए एकदम खस्ता कुरकुरी हमारी जो मुट्ठियाँ हैं वो बन के रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएंगी तब आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए सारी की सारी मुट्ठियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब इनको तोड़ के इस तरह से पीसेस कर लेंगे और उसके बाद एक ग्राइंडिंग जार में डाल के इनका पाउडर बना लेंगे। जिस तरह से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ ना, ठीक उसी तरीके से आप इसके छोटे छोटे पीसेस तोड़ के ले लीजिए। हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसका एक दरदरा पाउडर बनाकर रेडी करना है। सभी मुट्ठियों को डाल देंगे। याद रखिए कि गरम गरम मुट्ठियों को तोड़ के ग्राइंडिंग जार में डाल के पाउडर मत बनाने लगिए, नहीं तो वो सब के सब वापस से आटा बन जाएंगे। इसको आप ठंडा होने दीजिए, उसके बाद देखिए इस तरह से दरदरा पाउडर हमें बना के रेडी करना है, तभी तो बनेंगे एकदम रसीले से चूरमा मोदक लड्डू। ये दानेदार पाउडर देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा जो चूरमा मोदक लड्डू है वो कितना दानेदार और खस्ता बन के रेडी होने वाला है। अब ये पाउडर जो है हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसके अंदर मिक्स कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे बादाम, पिस्ता, थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल, काजू ले लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों वो मिक्स कर दें। और मैंने यहाँ पर 8-10 दाने किशमिश के इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं और एक चम्मच पॉपी सीड भी इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नटमेग, इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा स्वाद आता है चूरमा मोदक लड्डू के अंदर। इन सभी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो ट्रेडिशनली जैसे बनता है चूरमा मोदक लड्डू वो बता रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स स्किप कर सकते हैं, आप सादा भी इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून हरी वाली इलायची का पाउडर डाल दिया है, उससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो हम इसे आज बना रहे हैं पूरी तरह से हेल्दी और शुद्ध तरीके से। तो अगले स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है और गुड़ को हम मेज़रमेंट कर सकें इस वजह से मैं इसे चाकू से कट करके ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, आपको जैसा इजी लगे आप वैसा कर लीजिए ताकि ये मेज़रमेंट करने में ईजी रहेगा। अगर आपको परफेक्ट चूरमा मोदक लड्डू बनाना है तो हर चीज़ का मेज़रमेंट, नाप जो है वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप गुड़। जिस मेज़रमेंट वाले कप को आपने यूज़ किया था आटा नापने के लिए वही कप यहाँ पे यूज़ करिए। एक कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है, उसमें मैंने डाल दिया है घी और घी जब मेल्ट हो जाए तब उसके अंदर हम 1 कप गुड़ डाल देंगे। फ्लेम आप मीडियम टू लो रखिए, गुड़ जलना नहीं चाहिए, बस आपको मेल्ट करना है। चलाते रहिए इस तरह से और उसको मेल्ट होने दीजिए। यहाँ याद रखेंगे कि हमें गुड़ का कोई चाशनी तैयार नहीं करना है, बस हमें गुड़ को थोड़ा सा पिघला लेना है ताकि वो हमारा जो पाउडर है उसमें मिक्स करने के लिए रेडी हो जाए। तो
ये देखिए गुड़ हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, घी जो है वो अलग ऊपर ऊपर तैरने लगा है। अब इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और गरम गरम गुड़ को इसके अंदर इस तरह से मिला देंगे। अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, गुड़ यहाँ हमारा बहुत गर्म है, हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए इसे मिलाने के लिए। किसी भी चम्मच या झांझर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करिए ताकि गुड़ जो है वो हमारे चूरमा में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आपकी चॉइस है, अब इसे मोदक के मोल्ड में आप बनाइए चाहे लड्डू बनाइए, आपकी जैसी इच्छा है वैसा शेप आप इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इससे मोदक बना रही हूँ और मोल्ड में किस तरह से मोदक बनाते हैं वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। आपके पास अगर लड्डू सांचा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सांचा आप इस्तेमाल करेंगे उसमें सबसे पहले आप घी से उसकी ग्रीसिंग कर देंगे इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अब इस तरह से मोल्ड के अंदर हम चूरमा का जो मिक्सचर हमने बना के रेडी किया हुआ है उसको इस तरह से फिल करेंगे और फिंगर्स की मदद से उसके अंदर अच्छे से भर देंगे, देखिए जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट चूरमा मोदक बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे चूरमा के मोदक बना के हम रेडी कर लेंगे। और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि सारे के सारे मोदक बन जाएंगे उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है। मेरे बताए गए तरीके से अगर आप भी अपने घर में इस तरह मोदक बनाएंगे तो आपके भी चूरमा मोदक लड्डू बनके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस मेज़रमेंट का ध्यान रखिए और जब आप गुड़ को पिघला रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि गुड़ को चाशनी नहीं बनाना है और उसे जलने नहीं देना है, एकदम लो फ्लेम पे सिर्फ उसे पिघलाना है। देखिए कितने सुंदर सुंदर मोदक बन के निकल रहे हैं, ना पिघल रहे हैं ना टूट रहे हैं, एकदम परफेक्ट मोदक बन के रेडी हो रहे हैं। आप भी अपने घर में इस तरह से ज़रूर बनाइए इस त्यौहार में और पूरे फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। देखिए देखते ही बनाने का मन कर रहा है ना, ना ये पिघल रहे हैं ना टूट रहे हैं, एकदम परफेक्ट चूरमा मोदक बन के रेडी हो गए हैं। इतना सुंदर चॉकलेट के कलर का दिखने वाला ये चूरमा मोदक लड्डू जब घर में बनेगा तो कुछ हो ना हो घर के बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पूरे के पूरे चूरमा मोदक लड्डू बनके रेडी हो गए हैं, है ना एकदम परफेक्ट, ना कोई चूरमा मोदक लड्डू पिघल रहा है ना टूट रहा है ना गिर रहा है, सबके सब एकदम परफेक्ट बनके रेडी हुए हैं।
पिस्ता और पॉपी सीड, खसखस जो होता है ना, उससे मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो लीजिए फ्रेंड्स, खास गणेश चतुर्थी के लिए हमारा हेल्दी टेस्टी रेसिपी चूरमा मोदक लड्डू बनके तैयार हो चुका है। क्या इसे देख के कोई बोल सकता है कि इतने हेल्दी टेस्टी तरीके से आपने इसे खुद से घर में बनाया है? आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए और अपने इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चूरमा मोदक लड्डू जितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, उतने ही रसीले और मुलायम बन के रेडी हुए हैं। आइए मैं यहाँ पे एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाला टेस्टी मोदक लड्डू बन के रेडी हुआ है। तो इस गणेश चतुर्थी में आप भी अपने घर में इसी तरह से रसीले हेल्दी टेस्टी चूरमा मोदक लड्डू बना के तैयार करिए, सबको खिलाइए, आप भी खुश रहिए, सबको खुश रखिए और अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर सपोर्ट गाइज़।